ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਝਾਲਰ ਝੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ जब भी सोन वैली उसकी झीलों का ज़िक्र आता है तो हम लोग ज़िक्र करते हैं खबेकी झील, उछाली झील और उसके बाद हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि सोन वैली के अंदर एक सोतेली झील भी है जिसके ऊपर कोई किसी की तवज्जो नहीं है, कोई उसका ख्याल नहीं करता, लेकिन वो भी सोन वैली में ही है और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ, तकरीबन 4 साल बाद, तो इसकी हालत बुरी हुई हुई है। इसकी कोई आपकी इतनी नहीं है, इसका अप्रोच रोड बहुत ख़राब है, यहाँ पे आना इस कदर दुश्वार है। अगर आज बाइक पे ना होते हम तो हम पहुँच भी ना पाते। तो ये अपनी तरफ राइट साइड पे देखिए, ये झील है, इसका नाम है झालर झील, जिसे मैं सोतेली झील कह रहा हूँ। वो राइमिंग हो गया ना, उछाली झील, खबे की झील, और ये है सोतेली झील। इस कदर खूबसूरत इसकी सीनरी है, इधर तक आने का रास्ता इतना प्यारा है, लेकिन लगता है कि जैसे इस इलाके को, इस झील के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जानबूझ के दुनिया से काट दिया गया है। जब हम इधर आ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या इधर आबादी मुमकिन है, क्या यहाँ लोग रह पाएंगे या रहते होंगे। सरप्राइजिंगली यहाँ पे तकरीबन 200 घरों का एक गाँव आबाद है, लोग रह रहे हैं उसमें, मजबूरी है ना, कहाँ चले जाएँ। ये सेम इलाका है, ये भी इतनी खूबसूरत झील है जितनी, बल्कि दूसरी झीलों से ज़्यादा खूबसूरत है ये झील। थोड़ी हटके भी है, थोड़ी यूनिक है, इसके अंदर गंद बला इस इलाके के आसपास नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, मगर इसका कोई ख्याल ही नहीं है, ना इस इलाके के लोगों का कोई ख्याल है। टूटी हुई सड़कें हैं, पीने का पानी का बंदोबस्त कोई नहीं है, ट्रांसपोर्ट इधर कोई नहीं आती। बट आज मुझे 4 साल बाद इधर दोबारा आके बहुत दुख हुआ है। फर्स्ट टाइम आया था तो इस झील का और बाकी झीलों का फ़र्क मुझे ये लगा था कि इस झील के जो पानी है ना, इधर हवा शायद चलती है, वैक्यूम बनता है, आप देख रहे हैं सामने भी पहाड़ हैं शायद, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट या प्रॉपर पर्सन, तो मेरा एक गैस है, जिसकी वजह से इधर हवा चलती रहती है, तो पानी की जो जाल थी है ना वो आती है, जिस तरह समंदर में नहीं छोटी छोटी आती है। बट अभी ये है कि इसके इसे इतनी अंडर ग्रोथ हुई हुई है, गंद पड़ा हुआ है, इधर कोई ख्याल है नहीं इसका, तो इसकी सारी ब्यूटी तबाह हो गई है। बहुत अफसोस हुआ है आज इधर आकर। मेरे दिल में था कि आज मैं जा रहा हूँ 4 साल बाद, जिस तरह आपको होता है ना कि आप पहले किसी जगह गए हो, बड़ी खूबसूरत मिली हो जगह आपको, आपके दिल में उसकी वही तस्वीर होती है जहन में, बट जब आप आकर ये देखते हैं तो अटल डिसअपॉइंटमेंट, दुख हुआ। सिर्फ इसका ध्यान नहीं रखा हुआ, अदरवाइज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, इधर परिंदे हैं, इधर ग्रीनरी है, लोग भी हैं, ये वास्या भी गुजरे हैं, आबादी भी कुछ है इधर, लेकिन ख्याल कोई नहीं यार, बहुत दुख हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए या TDCP ने जिस तरह बाकी सोन वैली में इतनी डेवलपमेंट की है, काबिले तारीफ है, TDCP ने बहुत शानदार काम किया है, उसने ओनरशिप लेके इस इलाके को डेवलप किया है। मेरी इल्तजा है TDCP की अथॉरिटीज से कि प्लीज़ इस झील की तरफ भी तवज्जो दें, ये बहुत खूबसूरत झील है, ये बाकी झीलों से ज़्यादा आपको बिजनेस देगी, या इधर टूरिज़म ज़्यादा आएगा। आपको कुछ इसके ड्रोन शॉट्स भी दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी हवा तेज चल रही, शायद ड्रोन उड़े ना उड़े कुछ कह नहीं सकते, बट आई विल ट्राई।